दोहरा दूं कि स्फीयर जो है ना, कोई स्फीयर है, ये कंडक्टिंग भी हो सकता है, कंडक्टिंग भी हो सकता है और ये नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। स्फीयर ये कंडक्टिंग भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। अब ये है ना, कंडक्टिंग है मान लो, अगर पूरा ऐसा है कि चार्ज तुमने दिया, सारा चार्ज कहाँ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। अगर बीच में पूरा मटेरियल है तो, या फिर अगर तुमने बीच में एक कैविटी पैदा कर दी और यहां चार्ज दिया, तुमने जो चार्ज भीतर दिया है उसका कहां आ गया, सरफेस पे आ गया, राइट। और इस केस में एक कैविटी है, चार्ज फ्री कैविटी है, चार्ज फ्री कैविटी है। अब तुम यहां कहां भी चार्ज दोगे वो भी वापस तुरंत कहां आ जाएगा, सरफेस पे। अच्छा, फिर क्या होता है, कैविटी विद चार्ज, विद सम चार्ज, फोर्सिबली केप्ट इनसाइड इट। अगर है तो कंडक्टर ही, और भीतर कोई कैविटी है, राइट, और आपने उसके अंदर क्या किया हुआ है, कोई चार्ज, किसी भी शेप की कैविटी है, राइट, है तो स्फीयर, उसके अंदर किसी भी शेप की कैविटी आपने रखी हुई है, ये बॉडी ऐसी है, आपने स्फीयर पे दिया था अंदर चार्ज प्लस क्यू और यहां आपने पैदा रख दिया था प्लस स्मॉल क्यू। समझिएगा बात को, ठीक है। छह केस बनते हैं और ये सब उलझा हुआ मामला है, इस पूरे फ्लो चार्ट से वो क्लियर हो जाएगा, राइट। नॉन कंडक्टिंग में तीन केस बनते हैं, एक तो यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग, चार्ज आप भीतर रख सकते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म चार्ज, यहां क्या होगा। तीसरा, इस नॉन यूनिफॉर्म के अंदर कैविटी, कैविटी इनसाइड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। छह केस बनते हैं और छह तुम्हारे एग्जाम में आ चुके हैं। सीधी सी बात है, स्फीयर कंडक्टिंग है तो तीन केस और नॉन कंडक्टिंग है तो तीन केस, ठीक है। अगर ये कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है मतलब इस पे तुम जो भी चार्ज रखते हो ये तुरंत कहां चला आता है, सरफेस पे चला आता है, राइट। तुमने अंदर रखा प्लस क्यू, तुरंत इलेक्ट्रॉनों ने आके घेर के उसे न्यूट्रलाइज कर दिया और सारा चार्ज कहां रीअपियर हो गया, सरफेस पे। कंडक्टर में सारा चार्ज सरफेस पे रहता है और भीतर फील्ड कितनी होती है, जीरो होती है, और जो भी फील्ड लाइंस होती है वो परपेंडिकुलर होती है। इवन अगर वो इस शेप की होता, अगर वो इस शेप का भी होता कि लाइक दिस, तब भी तुम चार्ज देते तब भी वो सरफेस पे आ जाता। ये बात स्फीयर में ही नहीं, सब जगह सही है। और कोई भी वॉल्यूम न्यूट्रल होता है, भीतर क्यू इनसाइड जीरो होगा, ई जीरो होगा, फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर गिरेंगी, राइट। फील्ड लाइन, तो तीन प्रॉपर्टी तो कंडक्टर की है ही। क्या, कंडक्टर के मटेरियल के अंदर फील्ड जीरो होती है, चार्ज जीरो होता है, कोई भी वॉल्यूम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, राइट, और फील्ड लाइंस उसके सरफेस पे परपेंडिकुलर गिरती है। ये तो स्फीयर ही नहीं, सब जगह सही है। अब क्या करेंगे, स्फीयर के अंदर आपने चार्ज फ्री कैविटी ले ली, आपको पता है कि जीरो होती है जहां पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, का पोटेंशियल आ जाएगा वही सरफेस पे होगा। एग्जैक्टली वही बात यहां भी होगी, के क्यू बाई कैपिटल आर, क्योंकि इसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, वो पहले से ही सन्नाटा था भाई। आप चार्ज यहां कैविटी बनाए चाहे ना बनाए, चार्ज तो बाहर जा चुका था, है कि नहीं। तो कंडक्टिंग बॉडी के अंदर चार्ज फ्री कैविटी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई,
बना चुका था उसको, हाल चुका था, फील जीरो थी। लेकिन अगर उस कैविटी के अंदर तुम चार्ज रख दे तो थोड़ी सी गड़बड़ी पैदा हो जाती है। वो चार्ज क्या करता है, कुछ चार्जेस को खींचता है अपने पास, ठीक है, तो उन्हें इंड्यूस चार्ज बोलते हैं। तो ये चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस चार्ज। ये रियल चार्ज है, तुमने जो दिया था वो रियल चार्ज है। यहां ये चार्ज जो पैदा हुआ वो कौन सा चार्ज है, इंड्यूस चार्ज है। अच्छा, तो प्लस क्यू की वजह से कितना पैदा हुआ भीतर, माइनस क्यू। तो तुमने तो दिया था प्लस क्यू एक्सेस चार्ज, और यहां माइनस क्यू यहां चला गया, तो इस जो स्फीयर है उस पर कितना टोटल चार्ज एक्सेस दिए थे, क्यू। नेट अभी भी कितना होना चाहिए, क्यू। भीतरी इंटीरियर सरफेस पे कितना आ गया, माइनस क्यू। तो बाहरी सरफेस पे कितना आना पड़ेगा, अगर तुम ना दिए होते कुछ भी तो माइनस क्यू भीतर चला जाता, प्लस क्यू बाहर चला जाता। लेकिन क्यू तुम भी तो दे दिए थे, तो बाहरी सरफेस पे कितना आ जाएगा, क्यू प्लस क्यू। इस बात को समझो, चार्ज वाले कैविटी में, चार्ज के अंदर अगर कोई चार्ज, सॉरी कैविटी के अंदर अगर कोई चार्ज हम जबरदस्ती पकड़ के रखते हैं, भाई वैसे तो छोड़ेंगे तो भाग जाएगा, क्योंकि वो आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी होगी और इलेक्ट्रॉन्स पास आ जाएंगे, किसी और लुढ़क जाएगा। जरूर उसको हमको जबरदस्ती ही उसके अंदर रखना पड़ेगा। अगर कैविटी के अंदर चार्ज है और वो चार्ज हमने जबरदस्ती पकड़ा हुआ है, और तो स्फीयर के लिए क्या होगा, प्लस क्यू के कारण इसके इंटीरियर सरफेस पे कैसा चार्ज पैदा हो जाएगा, माइनस क्यू। प्लस क्यू रियल चार्ज है और माइनस क्यू इंड्यूस चार्ज है। माइनस क्यू यहां पैदा हुआ तो यहां प्लस क्यू पैदा हुआ होगा, एक्स्ट्रा हमने क्यू दिया था तो टोटल इतना आ गया। एक बात, इस पे हम काफी डिटेल में बात करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में, ठीक है। और लेकिन अभी फ्लो चार्ट में जस्ट हम बता देते हैं क्या हो रहा है यहां पे। कोई भी कैविटी अपने अंदर सारे झमेले के साथ, चाहे वो रियल चार्ज हो इंड्यूस चार्ज हो, अपने से बाहर पॉइंट के लिए ऐसे बताती है जैसे कुछ है ही नहीं। जैसे घरों में झगड़ा हम लोग के इतना प्रचंड चल रहा होता है, कोई मेहमान आ जाता है नाखून। कैविटी क्या करता है, अपने अंदर क्या कहानी है, रियल और इंड्यूस्ड, वो बाहर वाले को पता ही नहीं चलने देता है। मतलब कैविटी बिहेव्स एज न्यूट्रल एंटिटी फॉर ऑल इट्स एक्सटीरियर पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ फील्ड एंड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल बोथ। नहीं समझे, ये नहीं कि फील्ड जीरो होती है, जैसे हम लोग स्फीयर के में क्या करते हैं कि हालो स्फीयर अपने अंदर फील्ड तो जीरो पैदा करता है, लेकिन पोटेंशियल तो करता था ना। जबकि कैविटी के बारे में मैं क्या बात कर रहा हूं, ये बाहर जीरो की तरफ व्यवहार कर जैसे कुछ है ही नहीं, राइट, ऐसे व्यवहार करेगा जैसे कुछ है ही नहीं उसके अंदर, जबकि एक रियल चार्ज और एक इंड्यूस चार्ज है, लेकिन वो बाहर फील्ड भी जीरो पैदा करेगा और पोटेंशियल भी जीरो पैदा करेगा, राइट। तो कैविटी अलोंग विद ऑल ऑफ इट्स कंटेंट्स, मैं लिखवा दूंगा, बिहेव्स लाइक न्यूट्रल पॉइंट इन टर्म्स ऑफ फील्ड एंड पोटेंशियल फॉर ऑल एक्सटीरियर पॉइंट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो सन्नाटा हो गया। अब हमारे पास प्रॉब्लम है कि एक हालो स्फीयर है जिस पे चार्ज क्यू प्लस क्यू है, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सिंपल के क्यू बाई आर, क्यू की जगह क्या रखेंगे। ये मैं इंटरव्यू में टीचर्स के भी पूछता हूँ, कभी किसी टीचर का इंटरव्यू लेना है तो उसमें पूछता हूँ, तो उसमें 70% तो गलत ही बताते हैं, जाने क्या क्या बात करते हैं, इतना किताबों में बहुत स्पष्ट नहीं है। 2-3 साल तक मैं खुद गलत पढ़ाता रहा, ठीक है, लोग स्वीकार करते रहे, फिर इसीलिए मैं कभी अपने पुराने नोट्स देखता ही नहीं हूँ, ना मैं किसी के नोट्स पोस्ट देखता हूँ। मुझे लगता है ठीक है, क्लासरूम में किताब उताब से टेस्ट पेपर से आदमी सीख सकता है, ठीक है। तो एक बुक है ITJEE के लिए, उसी में पूरे डिटेल में दिया हुआ है, कई जगह तो बहुत गलत भी दिया हुआ है। तो अगर आप कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई इरेगुलर शेप की कैविटी लेते हैं और उसके अंदर किसी रियल चार्ज को जबरदस्ती फोर्सिबली रखते हैं, तो उसके इंटीरियर सरफेस पे एक क्या पैदा हो जाएगा, इंड्यूस चार्ज, और उस मात्रा में इतना पॉजिटिव आ जाएगा। अब बाहर से आप ये दिए थे और वो कैविटी अपने सारे तामझाम के साथ प्लस और माइनस की जो भीतर है रियल और इंड्यूस्ड, उसके साथ वो बाहर किस तरह बिहेव करेगी, जैसे कुछ है ही नहीं।
बस सिर्फ आपका हालो स्फीयर बचा, और आपको पता है कि हालो स्फीयर की वजह से पोटेंशियल कितना होता है क्यू क्यू बाई आर, और यहाँ कितना बच गया क्यू प्लस क्यू, काम खत्म। ठीक है, इसके एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है और इसमें केसेस बहुत ज्यादा है। अभी मैं एक चार्ज बाहर यहां ले लूंगा, इसको हिलाऊंगा, पूछूंगा कौन कौन वाला हिलेगा, भीतर वाले को हिलाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दूंगा, बहुत खुरापात इसमें मैं करूंगा। लेकिन अभी तुम ये जान लो कि कंडक्टर में तीन केसेस बनते हैं, एक तो बस ऐसे ही है ये वाला, ये बात हो गई। कंडक्टर की तीन प्रॉपर्टी है, भीतर ऐसा नहीं होता कि भीतर चार्जेस नहीं होते, भीतर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे, चार्ज नहीं। राइट, तुम जो भी एक्सेस चार्ज दोगे वो चार्ज तुरंत कहां आ जाएगा, विद इन माइक्रोसेकेंड सरफेस पे आ जाएगा। चार्ज फ्री कैविटी बिना काम की है, पहले भी खालीपन था अभी भी खालीपन है, फर्क क्या होता है। लेकिन कैविटी विद सम चार्ज, जहां चार्ज आप रखे हो कैविटी के अंदर, वहां थोड़ी कहानी अच्छी बन जाती है। ठीक है, ये हुआ। अब आइए नॉन कंडक्टिंग पे। नॉन कंडक्टिंग मतलब जहां की चार्ज चल ना पाए। नॉन कंडक्टिंग में चार्ज कहां रहता है, सरफेस के अंदर की बाहर, जहां डाल दो वहीं रहता है, ना अंदर ना बाहर, कहां जहां डाल। तो अब क्या है कि यहां पे इस केस में ई कितना हो जाएगा बोलिए, इस केस में आपको रो कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मतलब रो कांस्टेंट है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आपको याद होगा धुंधला धुंधला शायद कुछ ऐसा आया हुआ करता था, रो आर बाई क्या, और यही सिलेंडर था तो उस केस में रो आर बाई टू एप्सिलॉन जीरो, और यही थिक नॉन कंडक्टिंग प्लेट था तो रो आर बाई एप्सिलॉन जीरो था ये। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था जहां रो कांस्टेंट नहीं है, रो फंक्शन ऑफ आर है, और कहने का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल रो इज इक्वल टू रो नॉट इन टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर दे सकता है, रो इज इक्वल टू के बाई कैपिटल आर क्यूब इन टू आर दे सकता है, कुछ भी ठीक है, मतलब वन बाई आर दे सकता है, रो इज इक्वल टू रो नॉट इन टू वन माइनस एक्स बाई आर बाई आर दे सकता है, या फिर क्या चीज, रो इज इक्वल टू रो नॉट इन टू स्मॉल आर बाई टू माइनस आर स्क्वायर बाई थ्री, ऐसा कुछ मतलब फंक्शन ऑफ आर, या रो इज इक्वल टू रो नॉट इन टू ई टू द पावर माइनस अल्फा आर क्यूब दे सकता है, इनफाइनाइट फंक्शन है, कोई फंक्शन देगा, मतलब यह है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है, तब आपको जाना पड़ेगा गॉस लॉ के पास, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या, क्यू इन बाई एप्सिलॉन जीरो। राइट, स्फेरिकल चीजों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा वही हो जाती है जो उसके एरिया की दिशा हो जाती है, ई और डी एस एक डायरेक्शन में होते हैं, यहां पे कॉस जीरो वन हो गया, समान है क्योंकि बराबर दूरी पे यहां पे है, भीतर नहीं इस सरफेस पे, तो क्या हो जाएगा यहां से बोलो E इंटू कितना, बोलो E बाहर ले लिया और ds को इसकी सरफेस एरिया ले दी, क्या चीज 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू, q को निकालने का कैलकुलस का तरीका क्या है, आप यूनिटरी मेथड तभी लगाते हैं जब चीजें यूनिफॉर्म होती है, एकिक नियम जो पढ़ते हैं ना कि एक आम 5 रुपए का तो 6 आम 9 रुपए का, ऐसा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, तो तुम जो है वो चीज तुम लगाते हो जब चीजें यूनिफॉर्म होती हैं, नॉन यूनिफॉर्म में तुम वो नहीं लगाते, नॉन यूनिफॉर्म में रेगुलर मैथमेटिक्स नहीं काम करती है, कैलकुलस काम करता है, तो यहां नॉन यूनिफॉर्म तो है नहीं, सॉरी यूनिफॉर्म तो है नहीं, तो आपको रेगुलर मैथमेटिक्स से काम चलेगा नहीं, कैलकुलस लगाना पड़ेगा। आप कहिएगा सिंस एक एरिया में एक वॉल्यूम में चार्ज कितना है, रो है, इसलिए डीवी वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा बताइए, रो डीवी, और इसी को dq बोल देंगे चार्ज को, इसी dq को इंटीग्रेट कर दोगे तो q कितना आ गया, इंटीग्रल रो dv, तो क्या मैं यहां पे q की जगह इंटीग्रल रो dv रख सकता हूं और बाय एप्सिलॉन जीरो, बोलिए ये रख सकता हूं, और dv कितना आ जाएगा हमारा, वॉल्यूम होता है 4 बाई 3 पाई r क्यूब, उसको डिफरेंशिएट करिएगा तो dv आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर dr। तो कहानी ये है, आई टी जेई में 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे लगातार पिछले 5 साल में। ठीक है, जब रो वैरी करे तो E इंटू दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रो डीवी, राइट, डीवी की जगह ये और रो की जगह ये, इंटीग्रेट करना आप जानते होंगे, जिस पॉइंट भी पूछा होगा 0 से R पे R1 पे वहां तक इंटीग्रेट कर दीजिएगा, आपको E मिल जाएगा। ठीक बात है, जहां नॉन कंडक्टिंग के अंदर कैविटी हो वहां क्या करते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है क्या होती है, इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिला दो, इलेक्ट्रिक फील्ड
जो होती है C1 C2 के पैरेलल होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पाते हो, राइट? तो इसके अंदर क्या पाते हैं हम? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पाते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? C1 C2 के पैरेलल। एक तो बात ये हो गई, ओके। अब मैं ये कह रहा हूं, इसी बात को थोड़ा समय और आगे बढ़ा देता हूं, कि ये कोई स्फीयर है और यहां कोई कैविटी है और ये नॉन कंडक्टिंग है क्योंकि चार्जेस भीतर बड़े मजे से रह रहे हैं, राइट? और आपको यहां कोई पॉइंट लिया गया है पी और यहां पे सेंटर है C1, यहां पे सेंटर है C2, ठीक है? C1 से C2 की पोजीशन A बार है, A वेक्टर है। C1 से P की पोजीशन R1 वेक्टर है। C2 से P की पोजीशन R2 वेक्टर है, ठीक है ना? ऐसा है। तो भीतर जो फील्ड होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? R1 के कि R2 के कि A के? E इनसाइड जो होती है दैट इज इक्वल टू रो A वेक्टर बाई 3 epsilon 0। आपको अभी हम बताए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसी के पैरेलल होगी, उसको R1 R2 से कोई मतलब नहीं है, बेसिकली वो इसी के सुपरपोजिशन से आ जाता है, रो R बाई 3 epsilon के सुपरपोजिशन से आ जाता है, जिसे मैं जाना नहीं चाहता। अच्छा, अब बताइए, और A वेक्टर बेसिकली क्या है? A वेक्टर बेसिकली क्या है? ये ना R1 पे डिपेंड करता है ना R2 पे, P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना R1 पे डिपेंड कर रहा है ना R2 पे, बल्कि तुम करो तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस हुआ, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? R1 वेक्टर माइनस क्या? R2 वेक्टर। तो किसी जनरल पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वो ना उसकी पोजीशन R1 पे डिपेंड कर रही है ना R2 पे, बल्कि R1 माइनस R2 पे डिपेंड कर रही है। नहीं समझे? तो पूरी लंबी कहानी है ये स्फीयर की, पूरी स्टोरी इसकी यही है। समझ में आया तो बढ़िया बात, नहीं समझ में आया तो मतलब फिर से बता देते हैं। स्फीयर कंडक्टिंग में 3 केस, ये वाला चार्ज फ्री का कोई मतलब नहीं है, चार्ज को जबरदस्ती रखेंगे ये अपने से बाहर 0 की तरफ बिहेव करेगा। इसमें 3 केस, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और नॉन कंडक्टिंग में कैविटी जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से देख लो, स्फीयर में 2 केस, कंडक्टिंग में 3 और नॉन कंडक्टिंग में 3, ये वाला है, ये वाला हम में दुनिया भर के ऑब्जेक्टिव जाते हैं, ये बॉडी है, यहां एक कैविटी है और यहां दूसरी कैविटी है, इसका यहां पे Q1 चार्ज है, यहां पे Q2 चार्ज है, आपने एक्स्ट्रा चार्ज इसे Q3 दे रखा है, रेडियस इसकी बाहर भी एक चार्ज Q4 है, तुम चाहो तो इसकी अर्थिंग भी कर सकते हो और चाहो तो इसको वेलोसिटी भी दे सकते हो, जितना तामझाम है तुम सब क्रम से ही समझ में आएगा कि करना क्या है। ये लिख लिए? हाँ, किताब दिखाई सर, पूछा है तो कर लीजिए, बता दिए, और क्या है? ठीक है। हाँ, ये जो है एक इरेगुलर शेप का कंडक्टर है, राइट? सारी बात बता दे रहे, लिखाएंगे कुछ नहीं, कहानी समझ लीजिए, ठीक है? 2 कैविटीज हैं, कैविटी 1 और कैविटी 2। इसके अंदर आपने कितना
Q1, यहां पे क्या पैदा हो जाएगा? इंड्यूस चार्ज कितना? माइनस Q1। और यहां पे क्या पैदा हो जाएगा? इंड्यूस चार्ज माइनस Q2। ठीक है, बोलिए। और वो कहां से गया होगा? माइनस Q1, इसी कंडक्टर से निकल होगा, तो सरफेस पे कितना चार्ज रीअपियर हो जाएगा? प्लस Q1 ये वाला, तो ये, और ये कितना? प्लस Q2, और आपने कितना दिया था? प्लस Q3, और बाहर जो है Q4 रखा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसा चार्ज अपीयर हो जाएगा। फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ करनी होंगी, समझिए, जो इसका इंटीरियर सरफेस है, इसका इस बाहर की दुनिया से कोई संबंध नहीं है। यहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। अगर ये चार्ज सेंटर पे ना रहता, कहीं और रहता, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाता। जैसे हालो स्फीयर ले लू, तो कंडक्टिंग स्फीयर ले लू न्यूट्रल, हालो कंडक्टिंग न्यूट्रल स्फीयर, आपने चार्ज को यहां रख दिया, किसी चार्ज को प्लस क्यू को, तो ये क्या करेगा? कंडक्टर है ना, इसके भीतर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, खूब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां। अब बताइए, क्या ये स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रह गया? नहीं, प्लस क्यू ने माइनस ऐसे खींच लिया। हां, बाहर वाला जरूर यूनिफॉर्म होगा, तो ऐसा होगा है, कंडक्टिंग है स्फीयर, तो अगर भीतर आपने प्लस क्यू चार्ज को जबरदस्ती फिक्स किया हुआ है, तो जो इंटीरियर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है चार्ज की लोकेशन भीतर कहां पे है। ठीक है ना, तो भीतर वाला तो कैसा होगा? यहां पे दिस इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, एंड बाहर कैसा होगा बोलिए? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। भीतर का डिस्ट्रीब्यूशन कब बिगड़ता है? जब चार्ज जो है सिमेट्रिकली प्लेस्ड ना हो। और बाहर का कब बिगड़ता है? जब बाहर एक चार्ज लेते आइए। ठीक है, मतलब कि बाहर का आपने प्लस क्यू यहां दे दिया मान लीजिए, तो भीतर ये पैदा हो गया ऐसा नॉन यूनिफॉर्म, और बाहर चला गया। अगर आपने बाहर भी एक चार्ज रख दिया Q1, तो ये क्या करेगा? प्लस Q1 इसको रिपेल कर देगा, तो प्लस Q1 रिपेल करेगा तो क्या होगा? यहां पे अट्रैक्टर को माइनस होने जा जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नेट स्फीयर अभी भी न्यूट्रल है, तो बाहर का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसकी वजह से खराब हुआ? आउटर में किसी एक्सटर्नल चार्ज की वजह से, या फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कीजिएगा ऐसे कंडक्टर में, तो विद इन माइक्रोसेकेंड कहानी बदल जाती है। आपने चार्ज यहां रखा है प्लस क्यू, भीतर अभी भी भीतर, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि बाहर आंधी आई थी। भीतर वाले चार्ज को पता ही नहीं चलेगा कि बाहर आंधी भी आई थी। आप सुबह जगते हैं, अरे हाथ में है, तो भीतर वाले को तो बाहर का, इसको तुम डिस्प्लेस करोगे तो ये नहीं डिस्प्लेस होगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंस यही आके खत्म हो जा रही है। और फिर यहां से लाइंस निकल रही है, बात समझ में आ रही है, राइट? Q1 को डिस्प्लेस करने से Q2 को डिस्प्लेसमेंट कोई धक्का ही नहीं महसूस होगा, वो कोई भी डिस्प्लेस नहीं होगा Q2, या Q2 को डिस्प्लेस करने से Q1 डिस्प्लेस नहीं होगा। हाँ, Q2 को डिस्प्लेस करिएगा तो ये इंटीरियर वाले डिस्प्लेस हो जाएंगे, Q1 को डिस्प्लेस करिएगा तो आउटर वाले हो जाएंगे। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइएगा तो इस Q2 की तो सेहत है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खुद कैसी हो जाएगी? खुद ऐसी हो जाएगी, खुद ऐसी हो जाएगी, आके इस पे नॉर्मली गिरेगी, आके इस पे नॉर्मली गिरेगी। भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा अभी भी, भीतर फील्ड लाइंस कैसी होंगी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां फील्ड लाइंस ऐसी होती है, ऐसी होती है कि जिसका सेंटर यहां पड़े, नॉर्मली गिरती है। ठीक ना?
ऐसी होती है, और बाहर फिर यूनिफॉर्म हो जाती है, बाहर यूनिफॉर्म हो जाती है। ऐसा हो जाता है, बात समझ में आ रही है? और यहां पे कैसा होगा? यहां तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, ऐसा वैसा ही जैसा था। प्लस से माइनस भीतर, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, बाहर ऐसी हो गई और यहां भीतर हर जगह देखिए ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगर मैं Q4 को तो ये भले बाहर वाले ही नहीं है, चार Q2 को हिलाऊंगा, केवल ये ही बोलो, बिल्कुल दो डिफरेंट मीडियम है ये, ठीक है, ओके। पहली बात तो आपको ये ख्याल में रख लेनी चाहिए, एक बड़ी जरूरी बात वो ये, और सबसे महा कंफ्यूजिंग बात वो ये, जो कि कंफ्यूजन नहीं होगा बताने के बाद, ठीक है। पहली बात तो तुम ये लिख लिए, दूसरी बात ये लिख लिए, तीसरी बात ये लिख लेना, चौथी बात इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करने के बाद ये हो जाता है, ठीक है, ओके। पांचवी बात जो महा कंफ्यूजिंग बात है, एक स्फीयर है, ये जो है न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, आज मैं आया था मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाने, न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, कल मेरी क्लास होगी शायद, शेड्यूल तुमको मिल जाएगा, रेगुलर शेड्यूल, अब कल पढ़ा देंगे, अरे क्लास रहेगा तब ना पढ़ा देंगे, जब मुंह खोलोगे तब तुम बता ही दोगे कि तुम कौन हो। न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, यहां चार्ज प्लस क्यू, मैनेजमेंट करने में बहुत मजा आता है तुमको लग रहा है, प्लस क्यू, यहां से इसकी दूरी एक्स है, इसकी रेडियस आर है, ठीक है। अभी सैटरडे को तो छुट्टी है बकरीद की, बकरीद है क्या तो कब, मतलब बकरी भक्ति भाव, और उसके बाद ऐसे गले मिलेंगे आकर के पीछे, प्लस क्यू यहां पे है और यहां पे ये न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, इसका मामला बहुत इंटरेस्टिंग है, देख लीजिए, ये प्लस क्यू तो है भाई रियल चार्ज, ये क्या करेगा यहां पे, खींच लेगा इसके नेगेटिव वालों को, तो यहां उतना ही क्या पैदा हो जाएगा, प्लस पैदा हो जाएगा, यहां माइनस क्यू वन पैदा हुआ, यहां प्लस क्यू वन पैदा हुआ, हुआ कि नहीं हुआ बोलो भाई, प्लस क्यू है तो कुछ तो यहां आएगा, कुछ यहां जाएगा ना, कुछ तो ये स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बोलो, नॉन यूनिफॉर्म। फील्ड लाइंस कैसी होंगी? फील्ड लाइंस ऐसी हो जाएंगी प्लस से ऐसे, फील्ड लाइंस ऐसी हो जाएंगी, और यहां से ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो होगा, लेकिन ध्यान से हमारी बात सुनना, भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां पे सिस्टम में तीन चार्जेस हैं, आप लोग ना लिखती ना तो थोड़ा समझदार लगती, आयु सिद्धार्थ ने से बोरा लेकर एक कॉपी यहां से भर के ले जाओगी सब जो है, किसी भी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ई नेट तो जीरो होगा, लेकिन इसके कारण यहां पे इंडिविजुअल फील्ड तो होगी ही, और ये दोनों इंड्यूस चार्जेस मिलके उसको बैलेंस कर लेंगे, मतलब कंडक्टर के आसपास सराउंडिंग में हजारों चार्ज हो सकते हैं, या कंडक्टर पर भी और अंदर भी, जो कि बाहर आ जाएगा सरफेस पे, कंडक्टर के सरफेस पे और सराउंडिंग में हजारों चार्ज होंगे, फिर भी कंडक्टर के अंदर सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो होगी, लेकिन जो हजारों हैं उनकी वजह से उस पॉइंट पर नेट इंडिविजुअल कुछ ना कुछ होगी, ये और बात है कि वो सारा नेट मिलकर के जीरो हो जाता है, तो पॉइंट पी पे दोनों ये पूरा इंड्यूस चार्ज और रियल चार्ज दोनों मिलकर नेट जीरो इफेक्ट पैदा करते हैं, लेकिन अगर हमसे कभी पूछे कि
एक स्फीयर है, ये पॉइंट पी है, यहां पे चार्ज क्यू है, ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस बी है, राइट, और ये न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, राइट। तो पूछा है कि इस क्यू के कारण पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ड्यू टू क्यू ऑन पी, क्यू के कारण पी पे। तो तुम सोचोगे ये तो कंडक्टर है, जीरो होगा भाई, इंडिविजुअल होगा, लेकिन कितना होगा इसके कारण इधर, के क्यू बी स्क्वायर जो हम पढ़े हुए हैं, बोलो इधर की तरफ, किधर की तरफ, इधर की तरफ, इसे मैं इवन बोल रहा हूं। अब क्या होगा, लेकिन नेट क्या होना है, जीरो, क्योंकि कंडक्टर है, यहां माइनस वाला इंड्यूस हो गया है, यहां क्या है प्लस वाला, तो ये प्लस ये दोनों मिल करके एग्जैक्टली इसके अपोजिट में इधर कर देंगे, ताकि नेट क्या हो जाए, जीरो। तुमसे पूछेगा फाइन इस पी पे क्या क्या पूछेगा, तीन बात पूछेगा, क्यू के कारण पी पे, इंड्यूस्ड चार्जेस के कारण पी पे, और पी पे। तो पी पे नेट फील्ड क्या हो जाएगी, बोलो, नेट ई तो जीरो हो जाएगी, और क्यू के कारण पी पे कितना होगा, के क्यू बाई बी स्क्वायर, किधर की तरफ, इधर की तरफ, ऐसे, उसके अपोजिट में ये क्या हो जाएगा, इतना ही, के क्यू बाई बी स्क्वायर। एग्जैक्टली वही कहानी यहां भी है, यहां सैकड़ों प्रॉब्लम बन सकते हैं। यहां पे एक पॉइंट पी ले लीजिए, अब इस पॉइंट पी पे ये कंडक्टर के हड्डी में नेट फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन यहां कितने चार्ज आपको दिख रहे हैं, एक रियल चार्ज, दो रियल चार्ज और तीन रियल चार्ज, और छह चार्जेस मौजूद है, इन छहों चार्जेस के कारण यहां पे फील्ड भी होगा, पोटेंशियल भी होगा, राइट, लेकिन नेट फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, और पोटेंशियल हर जगह बराबर होगा, ठीक है। अगर मैं पी वन बोलता हूं और पी टू बोलता हूं यहां पे, राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी वन नेट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी टू विल बी नेट विल बी इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल एट पी वन इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पी टू, बराबर ही होगा। कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल बॉडी है, बिकॉज कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल बॉडी, बात समझ में आई क्या, इक्विपोटेंशियल बॉडी, कंडक्टर कैसा बॉडी है, इक्विपोटेंशियल बॉडी, बस इतना ही जानना है, मतलब कंसेप्ट तो देखो यही है, बाकी कितने प्रॉब्लम भरे पड़े हैं किताबों में, सिचुएशंस बहुत ज्यादा हो सकती है, ठीक है, लिख लीजिए, प्रैक्टिस करा देता हूं। यहां क्यू फोर कौन मूव करेगा, क्यू वन क्यू टू कौन, कोई नहीं। अगर मुझे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर देता हूं, तो किसका कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा, सिर्फ बाहर वाले का, भीतर कुछ नहीं होगा, ठीक है। किसी पॉइंट पी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके कारण, मान लो यहां से इसकी दूरी सी दे दे, तो क्या इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकल जाएगी, के क्यू वन बाई सी स्क्वायर, सबके कारण निकल जाएगी, और जो नेट होगी वो क्या होगी, जीरो। कंडक्टर का नेट पोटेंशियल जीरो नहीं होता, जीरो तभी होता है जब अर्थिंग करते हैं, और नेट पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट होता है, यहां यहां। अब तुम कहोगे कि ये वाला तो डूबा हुआ है किसमें, ये वाला माइनस है यहां पे, इसका पोटेंशियल तो माइनस में डूबा हुआ है और ये वाला प्लस में डूबा हुआ है, दोनों का अलग अलग पोटेंशियल होगा, नहीं, कंडक्टर इस तरह से मैनेज करता है कि सारी जगहों पे पोटेंशियल क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन ये बात तभी तक सच है जब तक कंडक्टर के क्रॉस हम कोई बैटरी ना लगा दें, ये बात कंडक्टर इक्विपोटेंशियल बॉडी है, ये बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सही है, इलेक्ट्रिसिटी में सही नहीं है, हर जगह पोटेंशियल वहां अलग अलग होता है, या किसी कंडक्टर को हम एक्सेलरेट करा देते हैं या रोटेट करा देते हैं तब भी पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है, राइट, ओके, अच्छा। एक चीज और यहां दिमाग में भी आई थी, देखो चली गई, बहुत बढ़िया बात दिमाग, क्या हम इसके पहले क्या बोल रहे थे, इक्विपोटेंशियल होता है, उसके पहले क्या बोल रहे थे, केस तो सुबह देखे तुम कंडक्टर में तीन और तीन नॉन कंडक्टर में,
प्रॉब्लम तुम्हारे इसमें से आना ही आना इतना है। और ये बात कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर है, इक्विपोटेंशियल होता है, तुम लिखोगे घंटा भर हो गया काम। पांच वो आप बाहर पूछ लीजिए या क्लास में डिस्कस कर, आज क्लास के आखिरी में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ये क्लास कब तक चलेगी? चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड।